नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज ट्वीट्स पे। तो आइए देखते हैं क्या था इंपॉर्टेंट आज के न्यूज़पेपर में हमारे एग्जाम से रिलेटेड। साथ में देखेंगे दिस डे इन हिस्ट्री, सम फैक्ट्स अबाउट बिहार, क्विक रिवीजन करेंगे, आर्ट एंड कल्चर एट ग्लांस में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखेंगे, एक साइड देखेंगे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ बिहार, उसमें भी एक पर्सनैलिटी को डिस्कस करेंगे, जो भी फैक्चुअल क्वेश्चन आने के चांसेस है वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो द टॉप हेडलाइंस आर साइंस सिटी टू बी ओपनड इन राजेंद्र नगर। साइंस सिटी खुलने वाला है राजेंद्र नगर में। डिजी विलेजेस अनाउंस्ड, इनॉग्रेशन ऑफ आर ब्लॉक दीघा रोड, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना टू बी लॉन्च ऑन 5th मार्च। ठीक है, तो बिहार में ये 5 मार्च को लॉन्च हो जाएगा। आप देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। सो द फर्स्ट न्यूज इज साइंस सिटी टू बी ओपनड इन राजेंद्र नगर एंड इट इज इन पटना। ठीक है, राजेंद्र नगर पटना में साइंस सिटी खोला जाएगा और इसका एरिया ऑफ साइंस सिटी विल बी 20.48 acres। इट इज़ एकर्स नॉट करोड़। एरिया कैसे होगा करोड़ में, है एकर्स है ये। एंड देन कैपिटल इन्वेस्टेड विल बी 320.71 करोड़। दिस इज ह्यूज अमाउंट, लेकिन बनना भी चाहिए। ये अब APJ अब्दुल कलाम के नाम पे बनने वाला है और ये डेवलपमेंट जो साइंस के वजह से बिहार का डेवलपमेंट हुआ उस चीज़ को ये डेमोंस्ट्रेट करेगा, वो उस चीज़ को शो करेगा। तो इट्स गुड थिंग। आफ्टर इट्स कम्प्लीशन इट विल बी वन ऑफ 10 लार्जेस्ट सेंटर इन वर्ल्ड। ठीक है, तो 10 जो लार्जेस्ट साइंस सेंटर्स हैं पूरे वर्ल्ड के, नॉट इन इंडिया, रिजन वर्ल्ड, तो उसमें से एक ये भी हो जाएगा हमारा साइंस सिटी पटना वाला, राजेंद्र नगर वाला। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें से इसका एरिया और कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये तो नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि साइंस सिटी कहाँ पे खुलने वाला है। तो वो खुलने वाला है राजेंद्र नगर में। ओके, सो डिजी विलेजेस अनाउंस्ड। तो अभी हम देख रहे हैं कि विलेज को कनेक्ट किया जा रहा है, ऑप्टिकल फाइबर जो है उसके थ्रू विलेज को कनेक्ट किया जा रहा है, जिसके वजह से इंटरनेट रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ हैं वो विलेज तक पहुंच जाएंगी। ठीक है, तो अभी 3 विलेज हैं जो बख्तियारपुर का है, वो है करनौली, रुकनपुरा और नरौली। ये तीनों विलेज को डिजिटल विलेज का स्टेटस दे दिया गया। ये है कहाँ पे, तो ये बख्तियारपुर में। इनॉग्रेशन ऑफ आर ब्लॉक दीघा रोड। तो आर ब्लॉक दीघा रोड हम पढ़ रहे थे कि हाँ बनने वाला है, बनने वाला है, तो फाइनली ये बन चुका है और इसका इनॉग्रेशन हो गया है। तो कैपिटल इन्वेस्टेड वॉज 380 करोड़ और लेंथ जो है रोड का वो है 6.3 किलोमीटर्स। द न्यूज़ इज़ प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना टू बी लॉन्च्ड ऑन 5th मार्च। तो ये जो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना, ये किसके लिए है, तो ये सोशल सिक्योरिटी देगा उन लोगों को जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि इन लोगों को पेंशन वेंशन नहीं मिलता ना, तो इसलिए अभी न्यू जो स्कीम है वो लॉन्च किया गया है और इसको बिहार में भी लॉन्च कर दिया जाएगा 5th मार्च से। इसमें क्या करना होगा कि दोज हु इज़ इन, यहाँ फिर से गलती, और इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर को तो कोई दिक्कत नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले जो हैं तो उनको दोज हु आर अर्निंग 15,000 विल हैव टू डिपॉजिट ₹100 टिल 60 ईयर्स एज टू गेट पेंशन ऑफ 3,000। तो जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है और 15,000 रुपये कमा रहे हैं तो उनको क्या करना है कि 100 रुपया मंथली डिपॉजिट कर देना है, और कब तक करना है, तो 60 साल की उम्र तक करना है। और एक बार जब ये 60 में रिटायर हो जाते हैं तो इनको पेंशन मिलेगा 3,000 रुपया पर मंथ। तो ये है, इट इज़ अज्यूम टू बी लार्जेस्ट पेंशन स्कीम ऑफ वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पेंशन स्कीम होने वाला है। दिस डे इन हिस्ट्री, ओके, देयर वाज नथिंग सिग्निफिकेंट, सम फैक्ट्स अबाउट बिहार, नहीं, इट इज़ नॉट अबाउट सम फैक्ट्स ऑफ बिहार, हिस्ट्री का पोर्शन है। और जैसे हम कुसान ख़त्म कर लिए हैं तो उसी टाइम पीरियड का ये भी है, तो इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। तो संगम पीरियड में चेरा थे, चोला थे और पांड्या थे। तो आज हम चेरा के बारे में देख लेते हैं। उनका कैपिटल जो था वो था वंजी करियूर में। उनका जो एम्ब्लेम था वो था बो। फर्स्ट रूलर कौन थे, तो उदयन गेरल थे।
और ये लोग कहाँ पे रूल कर रहे थे, तो ये ऑक्यूपाई कर रहे थे केरला और तमिलनाडु। ग्रेटेस्ट किंग कौन था? तो था ग्रेटेस्ट किंग थे सेंगू सेंगुतुवन, जिनको रेड चेहरा भी बोला जाता, और उन्होंने पट्टिनी कल्ट जो था उसका फाउंडेशन किया था। तो ये सब नाम तो बहुत डिफ़िकल्ट है याद करने में, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। साइंस सिटी कहाँ पे खोला जाएगा? तो राजेंद्र नगर में, पटना में खोला जाएगा। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना कब लॉन्च होगा? तो वो 5 मार्च को होगा। चेरा का कैपिटल क्या था? कैपिटल एम्ब्लेम और फर्स्ट रूलर, ये सब सब याद करके रखेंगे। इसका नाम बड़ा डिफिकल्ट सा नाम है, तो ये है वो हो जाएगा इसका एम्ब्लेम। फर्स्ट रूलर जो थे उदयन गेरल, कैपिटल जो था वंजी था, ये भी याद रखेंगे। और ऑक्यूपाइड बोथ, तो ये इन्होंने ऑक्यूपाई किया था केरला और तमिलनाडु को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा साउथ इंडियन नाम जो होता है वो टफ होता है, लेकिन इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। फैक्चुअल क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। चोला वाला मेन होगा थोड़ा, कड़ाईकल जो रूलर है उनका नाम, बट ये भी याद रखिए। ठीक है, तो देख लीजिए रिजन, राजेंद्र नगर साइंस सिटी, 5 मार्च को इनका इसका लॉन्चिंग होगा। वंजी हो गया कैपिटल, वो हो गया एम्ब्लेम, उदयन गेरल हो गया फर्स्ट रूलर, केरला और तमिलनाडु में ये ऑक्यूपाई कर लिए थे एरिया। नेक्स्ट आर्ट एंड कल्चर ग्लास, तो माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ कहाँ है? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे में है, जिसको 1999 में यूनेस्को के कल्चरल साइट में डाल दिया गया था, इंस्क्राइब कर लिया गया था। फिर काका सिमला रेलवे है जो 2008 में, इसको भी इंस्क्राइब कर लिया गया था। और ये सब जो हैं ये दोनों नॉर्थ नॉर्थन नॉर्थ इंडिया में हैं, काका सिमला और दार्जिलिंग। और एक साउदर्न इंडिया में दो है एक्चुअली, मैथरन भी है, बट वो अभी पेंडिंग है, उसको अभी इंस्क्राइब नहीं किया गया। तो नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो है उसको 2005 में इंस्क्राइब कर लिया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और ये कहाँ है? तो ये है वेस्टर्न घाट्स ऑफ सदर्न इंडिया। फिर इसको क्यों डाला गया था? तो इसको डाला गया था कल्चरल साइट में बिकॉज इट इज़ आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ बोल्ड इंजेनियस इंजीनियरिंग सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग इफेक्टिव रेल लिंक थ्रू रग्ड एंड माउंटेनियस टेरेन। तो माउंटेनियस एरिया में भी बहुत अच्छे से जो रेल है वो बहुत अच्छे से वो वहाँ पे ट्रैवल करा जा सकता है, जिसके वजह से उसको मिला था। बहुत आउटस्टैंडिंग एग्जांपल है ये वहाँ पे। अब वैसे माउंटेनियस एरिया में भी इतना कंफर्टेबली रेल चलेगी तो हो ही जाएगा, तो इसलिए इसको मिला था स्टेटस कल्चरल साइट का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ बिहार में देखते हैं। अली इमाम, तो हमने हसन इमाम को देखा था, और उनके एल्डर ब्रदर जो थे अली इमाम, ये भी बहुत एक्टिव लीडर थे इंडियन नेशनल मूवमेंट में। और इनका बर्थ हुआ था 11 फरवरी 1869 को। ये भी उन्हीं की तरह एडवोकेट थे, नेशनलिस्ट लीडर थे हसन इमाम की तरह ही। अच्छा, उनको कलकत्ता हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट मिला था, इनको मिला था पटना हाई कोर्ट में 1917 में। और 1919 में इनको अपॉइंट किया गया था CM ऑफ हैदराबाद। तो ये सब है इनके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग अस एंड अपडेटिंग योरसेल्फ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू नॉलेज ट्विट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।